किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन में संदीप सिंह। आज हम हैं एक बहुत ही शानदार डेयरी फार्म पर जिसका नाम है महादेव डेयरी फार्म। यह है हाथियाखेड़ी गांव है, बड़नगर तहसील है। तो यहां पर एक जो युवा हमारे साथी हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से डेयरी फार्म को चला रहे हैं। यह डेयरी फार्म लगभग पिछले 5 साल से चल रहा है, तो बहुत ही सफल तरीके से इस फार्म को ये कर पा रहे हैं। तो कैसे इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से इसको चला रहे हैं, कितने इनको बेनिफिट होता है, सब कुछ आपको फार्म में जानने को मिलेगा। तो आज के समय में डेयरी फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, परंतु कई बार जानकारी के अभाव में ये नुकसान का कारण बन जाता है। तो हम अगर इसे सही मैनेजमेंट के साथ में, सही पशुओं के साथ में, सही मार्केटिंग के साथ में अगर इसे करें तो एक बहुत ही शानदार बिजनेस आपके लिए हो सकता है। तो डेयरी फार्मिंग को करना एक बिल्कुल आसान तरीका भी नहीं है कि आप इसे कर सकें, प्रॉपर जानकारी के साथ में आपको करना होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी देने का है। हमारे वीडियो में आपको किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रमोशन नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो डेयरी फार्मिंग शुरू करें तो कम पशुओं से शुरू करें, अच्छे पशुओं से शुरू करें। यहाँ पर जो गायों के लिए हैं मसाज की मशीन भी लगाई गई हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके से मेट लगाए गए हैं, पार्टीशन किया गया है फार्म में, बहुत अच्छी तरीके से इस फार्म को कर पा रहे हैं। तो वैसे भी आजकल कंपटीशन के दौर में नौकरी मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। और अगर मेरा पर्सनल खुद का अनुभव अगर मैं बताऊं तो नौकरी की बजाय अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा करियर बन सकता है, अगर आप उसे पूरा अपना 100% अगर उसमें देंगे तो। यहाँ पर जो है मसाज की ये लगा रखी हैं, तो इसमें गाय आती हैं, अपने आप को खुज आती हैं और बहुत अच्छी तरीके से फार्म को चला रहे हैं। तो इनका पूरा इंटरव्यू हम लेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग को कर रहे हैं, कितने एनिमल इनके फार्म में हैं। तो आपको बहुत अच्छा हमारे चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से इसमें सीखने को मिले। तो चलिए हम इनका इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं अच्छी अच्छी बातें इनसे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ त्रिलोक सिंह भाटी फ्रॉम हाथियाखेड़ी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। आज मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं फॉर्म को रन करते हुए, और इस फॉर्म को नाम दिया है अपन ने महादेव डेयरी फॉर्म। और मैं यहाँ 6 साल से अभी यहाँ पे एनिमल रख रहा हूँ HF, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस एनिमल रखने के बाद। तो आपने बताया जैसा कि 6 साल पहले आपने डेयरी फार्म शुरू किया था, तो लगभग कितने एनिमल से शुरू किया था फार्म? भैया मैंने एनिमल पहले स्टार्ट किया था, लगभग 10 एनिमल से स्टार्ट किया था और फॉर्म बना लिया था 100 एनिमल का। 100 एनिमल का फॉर्म बना लिया था और 10 एनिमल स्टार्टिंग में मैं लेके आया था। तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया उससे पहले ही आप शेड बना चुके थे यानी कि फार्म? हाँ, फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने। अच्छा। कि पहले 100 एनिमल का फॉर्म मैंने बना लिया था, उसके बाद फिर एनिमल लाया मैं। अच्छा। तो कितने एनिमल लगभग? 10 एनिमल से आपने? 10 एनिमल से लगभग स्टार्ट किया, और वो भी लोकल परचेसिंग की आसपास से। सारे पशु आपने आसपास से खरीदे? 10 एनिमल पहले आसपास से किए, उसके बाद फिर उनमें उनका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो फिर वो सारे सेल आउट किए और फिर हरियाणा से मैं एनिमल लेके आया। मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र से लोकल परचेसिंग की और वहाँ से मैं हीफर्स लेके आया, 7-8 महीने के। हाँ, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट हीफर्स लेके आया मैं। हाँ, प्रेगनेंसी की लगभग जिनकी उम्र होती है। उम्र होती है। तो अगर कोई किसान डेयरी में आना चाहता है तो आपको कोई समस्या ही अब तक, जैसा कि 6 साल आपने बताया? भैया मेन तो मैनेजमेंट का है कि अपन किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर मैनेज कर रहे हैं अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका अपने को ध्यान रखना रहता है। जैसे एक तो अपना एनिमल कैसा है, उसकी फीडिंग कैसी क्या हो रही है, और मिनरल और ये जो जो भी छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकता। आपको सारा मैनेजमेंट लेके चलना पड़ता है आगे से पीछे तक का, तब जाके आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो लगभग जो नया डेयरी फार्म शुरू करता है कोई भी, तो जैसा कि आपने बताया कि आप पहले ही शेड बना चुके थे? नहीं, वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने शेड बना लिया। पर अभी जो कोई नया यू स्टार्ट करना चाहता है तो वो नॉर्मल सा शेड बनाए, ना ज़्यादा खर्चा नहीं करे, और नॉर्मल सा शेड बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 एनिमल लेके आए, और उसके बाद स्टार्ट करे। उसके बाद एनिमल खुद बता देगा कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें फिर। और उस टाइम में आपको पता भी चल जाएगा कि आप प्रॉफिट है या नहीं है, आप मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। किसी के वीडियोस देख के ऐसा करके फॉर्म आउट कर लेता है कोई, फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि यार उनका चला अपना नहीं चला, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने को करना रहता है। तो एक डेयरी फार्मर को सेट पर कितना खर्चा करना चाहिए लगभग?
भैया खर्चे का तो कुछ कह नहीं सकते, नॉर्मल सा अपने पास जितना कम से कम हो पा रहा है उतना है, पर मेन चीज़ ये है कि एनिमल लूज हाउसिंग रहे, मतलब खुला रहे, जितना खुला रहेगा एनिमल उतना अच्छा रहेगा। थोड़ी सी शेड की हाइट होनी चाहिए, कम से कम 15 फीट तो होनी चाहिए, और लूज लगभग 15 फीट हाइट होनी चाहिए, वो थोड़ा सा एनिमल खुला रहे तो बेटर रहे। जैसा कि आप इनका डेयरी फार्म देख रहे हैं, काफ़ी हाइट है कि डेयरी फार्म है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले ही बना चुके थे, तो इस फार्म की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग 25 फीट है, 25 फीट इसकी टॉप है, बीच में इसकी 25 फीट हाइट है। और अगर कोई नया डेयरी फार्म पर डेयरी शुरू करता है तो अपना दूध को कहाँ बेचे? भैया अपना दूध लगभग अगर उनका मार्केट में सेल हो जाता है डायरेक्ट, डोर टू डोर हो जाता है, और 50 तक भी अगर चला जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। 50 रुपये लीटर अगर चला जाता है तो बहुत बेस्ट है, वो बेच पाएँ तो उनका फॉर्म मतलब 2 साल में ही अर्न करने लग जाएंगे। वैसे फॉर्म अगर कोई स्टार्ट करता है तो 4 साल तक तो उनको अर्न नहीं हो पाता है, क्योंकि 4 साल तक तो रोटेशन ही चलता है, एनिमल लेके आए हैं और सारी चीज़ें सब जमाने में ही टाइम लग जाता है। 4 साल में होता है, अगर 50 रुपये लीटर में बेच पाते हैं तो वो 1.5 या 2 साल में उनका चालू हो जाता है इनकम। आपकी जो आपने जो बात बताई उससे एक और बात पता चली है कि तो काफ़ी सारे लोगों का यह सवाल होता है कि भाई डेयरी फार्मिंग से हम कितना कमा सकते हैं पहले दिन से या फिर 1 महीने में, तो उसमें क्या होता है कि आप बताएं उनको कि लोगों को कमाई कैसे होती है? भैया कमाई का ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, एनिमल है, लाइफ के साथ अपन काम कर रहे हैं, एनिमल कभी बीमार भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, दूध का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं है कि अपना इतना है तो मंथ का इतना मिलेगा, इतना है आपके एनिमल के ऊपर कि अपना आपका एनिमल किस लेवल का है, आपकी फीडिंग किस लेवल की है, आपका दूध कितना आ रहा है, उस पर सब डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने सारी गायों को खुला छोड़ रखा है इस फार्म में, यानी कि बैठने की सुविधा अलग से है, नीचे आपने कंक्रीट का ये जो है नीचे कर रखा है, फिर इनके लिए कच्ची जगह घूमने की है, इसके बारे में आप बताएं कि ये आपने क्यों किया है और क्या कुछ इसका बेनिफिट है? भैया ये जो है अपना मिल्किंग होती है यहाँ पे, अभी बकेट से मिल्किंग होती है, और RCC का ये है कि अगर पानी और ये रहता है तो हमेशा गीले में ना रहे। अच्छा। बाकी अपने से बिना RCC के भी रख सकते हैं, पर ऊपर शेड जरूरी है, और कच्चे में रहने से इनके पैर वेर हूफ जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो नहीं रहती है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसका। और लूज हाउसिंग में काफ़ी बेनिफिट है एनिमल का, जब मन पड़ेगा तब पानी पिएगा, जब खाना हो तब खाएगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो, उसके हिसाब से चलेगा वो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर उसको पानी जो है उसकी इच्छा से वो पी सकता है, खाना उसकी इच्छा से खा सकता है, अगर उसको बैठना हो घूमना हो तो उसके हिसाब से वो कर सकता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप मिल्किंग जो है इनकी मशीनों से करते हैं, मशीनों से मिल्किंग होती है भैया, इनके लिए कोई अलग से मिल्क पार्लर है या फिर इनके अलग? नहीं भैया, नॉर्मली अभी स्टार्टिंग में मैंने मिल्क पार्लर और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल अगर अपने पास लगभग 1000 लीटर के आसपास दूध होता हो तो पार्लर की ज़रूरत है। बाकी अभी मेरे यहाँ 400 लीटर दूध हो रहा है और मैं बकेट से खुश हूँ, क्योंकि पार्लर लगेगा तो फिर अपना खर्चा बढ़ेगा, वैसे अभी आप नॉर्मल बकेट से भी मिल्किंग कर सकते हैं। तो अपने पशुओं का, आपके पशु जो हैं, इनका प्रतिदिन का जो डाइट प्लान होता है वो क्या होता है और लोगों को क्या कुछ इनको खिलाना चाहिए उसके बारे में आप बताएं? भैया मोटा मोटा सब एनिमल का अलग अलग डाइट प्लान रहता है, जैसे एक एनिमल का मान लो आप 30 लीटर दूध दे रहा है दिन का, तो उसको लगभग 40 किलो ग्रीन चाहिए रहता है, ग्रीन चारा जो होता है 40 किलो, 40 किलो चाहिए रहता है। जो किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं और जिनको समस्या आ रही है कि पशुओं की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, पशु दूध कम देता है, तो वो सुन भी सकते हैं, और आप इस हिसाब से अगर चलेंगे, गाय को अगर भर पेट भोजन मिलता है तो आपकी गाय उसका दूध कहीं भी नहीं ले जाएगी, दूध आपको मिलना ही है, परंतु होता क्या है कि लोग खाना भरपूर उनको दे नहीं पाते अक्सर, तो उनको काफ़ी सारा नुकसान होता है, तो 40 किलो तो उसको ग्रीन, भैया 40 किलो ग्रीन चाहिए रहता है। और अपने यहाँ नॉर्मल सा ये है कि भूसा ज़्यादा डालते हैं और ग्रीन नी के बराबर डालते हैं, पर भूसा सिर्फ 4 किलो या 5 किलो से ज़्यादा नहीं जाता है, और बाकी ग्रीन जाता है 40 किलो, और उसके बाद फिर सबसे बेस्ट फीड होना चाहिए अपना, जैसे मार्केट, हाँ जो पशु आहार बोलते हैं जिसको, बाकी मार्केट में खूब सारे पशु आहार हैं, पर उस लेवल के अपना एनिमल है जो 30 लीटर का है, उस लेवल का फीड भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी इसके बारे में, पूरी जो फार्म जो इसकी जो डिटेल होती है दाने की, आपको क्या खिलाना चाहिए, कौन सा दाना है देते हैं, परंतु फिर भी अगर आप देखना चाहें तो कितना कुछ दाना आप देते होंगे? भैया हर एनिमल को 1 लीटर का 400 ग्राम में
फीड डालता हूँ मैं। अच्छा, लगभग अगर 10 लीटर दूध दे रही तो 4 किलो दाना, 4 किलो आराम से जाएगा। जो गाय प्रतिदिन का 20 लीटर दूध देती है उसको लगभग 8 किलो दाना जाएगा। 8 किलो जाएगा, पर उस लेवल का जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 8 किलो डाल दिया है। 8 किलो का लेवल का फीड भी होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। जो है वसा उसमें है, सारे जो पोषक तत्व उसमें शामिल होने चाहिए बराबर मात्रा में। और मेन रहता है फॉर्म की, जो जिसको अपन बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, वो तो मिनरल मिक्सचर। अच्छा, ये हमें पशु को कंटिन्यू खिलाना चाहिए। मिनरल से काफ़ी सारे अपने को बेनिफिट मिलते हैं, एनिमल बीमार नहीं होता है, मस्टाइटिस नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इससे बेनिफिट में रहता है। टाइम पे हीट पे आता है, कंसीव रेट, बहुत सारी चीज़ें इससे बेनिफिट रहता है। तो मिनरल तो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी आप कौन सा दाना यूज़ कर रहे हैं? भैया मैं होममेड खिला रहा हूँ, खुद घर का फीड बना रहा हूँ मैं। वो आप अलग वीडियो में बताना, फिर भी अगर मोटा मोटी इस वीडियो अगर कोई नहीं देख पाता है तो उसके लिए आप उनको जो सामग्री उसमें आपने डाली है। भैया नॉर्मल सी अपनी मक्का है, गेहूं है, सोया डीओसी है, और अपना सरसों की खली है, ऐसे बहुत सारे 6-7 आइटम है। ये सारे मिक्स करके उसके अंदर मिनरल हो गया, अपना टॉक्सिन हो गया, फैट हो गया, ये सारी चीज़ें डाल के बनता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मक्का है, गेहूं है, तो इससे गाय को भरपूर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर सोया उसमें वो मिलाते हैं, सोयाबीन, तो उससे उसकी जो वसा की पूर्ति है वो भी हो जाएगी। आपको अलग से उसको कोई तेल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तो उनको प्रोटीन भी काफी हाई मात्रा में मिल जाता है। और खली अगर उसमें मिलाते हैं तो कौन सी मिलाते हैं? भैया खली में नहीं मिलाता मैं, कपास मिलाता हूँ डायरेक्ट, जो कपासिया रहता है, बिनोला जिसको कहता है, वो डायरेक्ट रहता है वो। और बाकी अपने मसूर और इनकी जो खल आती है, जो उनकी डीओसी बोलते हैं जिसको, भूसा जो होता है इनका, हाँ वो यूज करता हूँ। भूसा कुछ होता है ऑलरेडी रेडीमेड आता है, आप अपने मार्केट में देख सकते हैं। तो जैसा कि आप हरे चारे के बारे में बता चुके हैं, हरा चारा कौन सा इस्तेमाल करते हैं बताएं? भैया मैं साइलेज यूज़ करता हूँ, वैसे तो हरा चारा तो नी के बराबर यूज़ ही नहीं करता हूँ, साइलेज बनाता हूँ मैं। साइलेज किस बनाता है फसल का? अपना मक्का का बनाता हूँ मैं, मक्का का साइलेज बनाता हूँ, और वो ही चल मैं 2 बार बनाता हूँ, साल में 2 बार बनाता हूँ। तो क्या कुछ उसकी ये होती है कि भाई हाँ इतने पशु आपके फार्म पे हैं, तो उसको साइलेज आप 40 किलो खिलाते हैं या फिर कम दिया जाता है? नहीं नहीं, साइलेज में लगभग उसको थोड़ा सा कम देता हूँ, साइलेज के अंदर मक्का भी रहता है, तो लगभग जैसे कि 40 किलो खिलाना रहता है तो मैं उसको लगभग 30 किलो खिलाता हूँ, 30 से 25 किलो के। जी जी, और आप अपने फार्म पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसकी प्रोसेस होती है, क्या डेयरी फार्मिंग को सक्सेस बनाने के लिए ब्रीडिंग जरूरी है? भैया मेन चीज़ ब्रीडिंग भी है, क्योंकि अगर अपन जिस क्वालिटी का सीमन लगाएंगे अगर, तो उस क्वालिटी की बच्चे आएगी और वो अपने को अच्छा यील्ड देगी। मेरे यहाँ पर लगभग ABS की और डेनमार्क की SAG की, ये दोनों के सीमन है, और मैं खुद AI करता हूँ। आप अपने फार्म पर खुद AI करते? खुद AI करता हूँ, और स्ट्राइकर ब्रूट डेनमार्क का 40116 40120 इनकी बच्चियाँ भी आ चुकी है, और फर्स्ट लैक्टेशन में लगभग 28 से 30 लीटर डे का मिल्किंग ले रहा हूँ मैं उनसे। जो आप ये भूल के नाम सुन रहे हैं, जो ये सीमन का नाम बता रहे हैं, वो है कि ये उच्च क्वालिटी की जो सीमन होती है सबसे, वो ये है, इसमें ABS का सेक्स सीमन भी आते हैं। तो क्या आपने उसको यूज़ किया है कभी? भैया सेक्सीमन मैंने यूज़ किया नहीं है, पर थोड़ा सा व्यू लिया है कि थोड़ा सा कंसीव रेट कम है, तो मैंने उनका लिया नहीं है व्यू। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि जो सेक्सीमन जो होता है वो नॉर्मली होता है कि उससे सिर्फ और सिर्फ आपको बछड़ी मिलेगी, ये कहना उनका है, बट काफी सारी जगह पर अगर उसका देखा जाए तो लगभग 70% तक आपको रिजल्ट मिलेगा। 70% आपको मिलेगा, बल्कि कोई ये दावा नहीं है कि हाँ आपको बछड़ी ही मिलेगी, और 70% जो रेट है उसका वो होता है। कंसीव रेट जैसा कि सर ने बताया कि थोड़ा सा कम है उसका, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ। बाकी सेक्स सीमन उन्हीं के बनते हैं जो अच्छे बुल्स के रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्राइकर ब्रूट हुआ, और SAG के अपने 40116 40120 इनके हैं, बाकी बेस्ट रिजल्ट है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में हीफर्स हैं जो लगभग 30 लीटर दूध दे रही है डे का, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपने बताया कि अपने फार्म पे आप खुद AI कर रहे हैं? खुद AI कर रहा हूँ। इसका क्या कुछ बेनिफिट है और क्या लोगों को AI के बारे में देना चाहिए? बेनिफिट तो ये है कि डॉक्टर का वेट नहीं करना पड़ता है मुझे, और सही टाइमिंग पे AI हो जाती है। जैसे शाम को आइए तो मैं सुबह मॉर्निंग में करता हूँ AI, अगर डॉक्टर को बुलाऊंगा तो मॉर्निंग में वो नहीं आएगा, आते आते वो उसकी विजिट करते हुए लगभग 11-12 बजे तक आएगा वो, तो मैं सुबह मेरी AI प्रॉपर टाइम पे हो जाती है, तो उससे मुझे कंसीव रेट भी अच्छा मिलता है। सीमन का आपको पता होता है सबसे बड़ी? सीमन का मुझे पता था, मेरे पास खुद सिलेंडर है, और सिलेंडर में मैं खुद सीमन रखता हूँ, हाँ। और गैस मेंटेन में खुद रखता हूँ, बाकी कहीं जगह गैस मेंटेन नहीं होती तो उसका भी इश्यू आता है, हाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया, तो अगर AI ये करेंगे तो कहीं बेनिफिट है आप बता भी नहीं सकते, इतने बेनिफिट अगर खुद AI करते हैं तो, क्योंकि आपको पता होता है नॉर्मली कि ये किस बुल का सीमन है। आजकल हमारे खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ
तो बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है सीमन के बारे में। जो डॉक्टर होते हैं उनको खुद पता नहीं होता है कि ये कौन सा बुल का सीमन है, वो सिर्फ लाते हैं आपके पशुओं के अंदर डालते हैं, क्या उसकी डेट है वो आप नहीं देखते, ना डॉक्टर देखता है, कब उसने कंस्यूम किया नहीं किया वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें गारंटी हम खुद भी नहीं ले सकते अगर हम खुद भी करें तो। हाँ, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, पर श्योरिटी थोड़ा सा रहता है, परसेंटेज अपना कंस्यूम रेट बढ़ जाता है, जैसे अपने को 60-70 मिल रहा है तो इसमें 80% कंस्यूम रेट मिल जाता है। वो आपकी सावधानी है, सावधानी है, प्रिकॉशन है अपना, ज्यादा करेंगे उतनी ही आपको बेनिफिट उसका मिलेगा जब अपने खुद के फार्म पे आप करते हो। तो अगर लगभग हम बात करें तो एक पशुओं के ऊपर आपको मोटा मोटी जो आप बताएंगे तो एक महीने का या फिर एक आपको इस फार्म में कितना खर्चा हो रहा है बताएं भैया। मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जितना दूध से मिल रहा है उसका 20% बच जाता है। अभी 20% बच जाता है। एक्चुअल जो सर ने बात बताई है कि जो दूध से मिल रहा है लगभग अगर 10,000 रुपये मिले हैं तो आपको 2,000 रुपये इसमें बचेंगे। हाँ, मंथ के डेली के भी नहीं, मंथ के, क्योंकि मंथ के अगर जो आपकी जो बचत है खास करके दूध को बेचने से, अभी उससे आपको और कोई एक्स्ट्रा कमाई भी होती है इसमें या फिर सिर्फ दूध से होती है? भैया दूध से है, बाकी फिर इनका जो गोबर है इससे भी इनकम हो सकती है, इससे होती है। और मैं अभी प्लांट में दूध दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कीड़ है, बाकी अगर डोर टू डोर दिया जाए अगर दूध 50 रुपीज, अभी मेरा दूध जा रहा है 28-30 रुपये लीटर जा रहा है, 28-30 रुपये लीटर दूध जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अगर डोर टू डोर चला जाता है 50 रुपीज लीटर चल जाता है तो आप दो जोड़ लीजिए कितना क्या हो रहा है। आपके फार्म पे लगभग कितना दूध है प्रतिदिन का? प्रतिदिन का भी 400 लीटर है अभी। 400 लीटर है और 28-30 रुपये लीटर आपका दूध जाता है। 28-30 लीटर, हाँ हाँ, तो लगभग 7,000 का प्रतिदिन का आप मान सकते हैं। हाँ हाँ, लगभग 7,000 का। तो इसमें से अगर इनकी बचत जोड़ी जाए तो इनकी बचत जो है तकरीबन आप मान के चले कि लगभग 1500 रुपये की बचत आपको होती है। 1500 रुपये की है। और भैया इसमें मेरे पास क्या है कि मैंने ब्रीडिंग पे काम किया है तो मेरे पास बच्चियाँ जो है, मैंने काफ़ी गाय सेल आउट की है पर मैंने बच्चियाँ नहीं दी है उनकी, बच्चियाँ खुद फॉर्म पे रखी है और उनको तैयार किया है तो उनकी क्वालिटी अच्छी है तो मैंने उनको सेल नहीं किया। खास करके पॉइंट की बात ये है कि जो ये इनके फार्म में कमाई है इन्होंने बहुत कम बताई है। अब कम इस कारण से है कि ये बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं इनके फार्म पे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा खर्चा इसका करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सीमन टैंक हैं उसको मैनेज करना पड़ रहा है, जो बछड़ियाँ हैं उनको दूध पिलाना पड़ रहा है, तो दूध पर इनको काफ़ी कम फोकस है बजाय ब्रीडिंग के। ब्रीडिंग पर इनका खास करके ध्यान है तो वो ये कर रहे हैं। तो एक पशु के ऊपर अगर आपका प्रतिदिन का बताएं आप, तो उसको आपने बता भी दिया है कि लगभग 40-35 किलो साइलेज या पेथरा चारा, उसमें भूसा है, लगभग जो 20 लीटर दूध देती है गाय उसको लगभग 8 किलो आपको क्वालिटी फीड देना पड़ता है, क्वालिटी फीड देना पड़ेगा आपको। तो AI के बारे में हम बता चुके हैं कि AI ये खुद करते हैं इनके फार्म में, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने सीमन ला रखे हैं। तो आप ये बताएं आपकी जो इतना बड़ा आपका खास करके HF गाय का फार्म है, तो HF में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या इनको यहाँ पर MP में तापमान मैनेजमेंट में कोई समस्या आती है? नहीं भैया, तापमान में इनमें कोई इतना इशू नहीं आता है, पर नॉर्मल जैसे अपने घर में 10 मेंबर हैं तो एक दो तो बीमार होते ही हैं, सेम एज इट इज़ इनका भी है, 10 में से 1-2 बीमार होते रहते हैं। हैंड टू हैंड अगर ट्रीटमेंट हो गया है तो ठीक हो जाता है, क्योंकि ये एनिमल है बोलता नहीं, अपने को थोड़ा सा मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि अगर ये कैसा क्या है, इसका रूटीन डेली रूटीन से अलग है, तो ट्रीटमेंट अगर टाइम पे हो जाता है तो ठीक हो जाता है, बाकी कोई उसका अलग इफेक्ट नहीं रहता है। अब आप एक बछड़े का डाइट प्लान बताएं हमें, ताकि लोगों को उसमें भी समझने में उनको ये होता है कि भाई बछड़े कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या कुछ खर्चे होता है। बछड़ों को लोग ये मानते हैं कि बछड़े तैयार करना पसंद ही नहीं करते लोग, या फिर जो करते हैं उनको सही से तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको कितना कुछ मिलकर पिलाते हैं, क्या कुछ उनका खाने का सिस्टम होता है? भैया फर्स्ट डे से अगर एक बच्ची काफ ने जन्म लिया है तो उसको मोटा मोटा मतलब 4-5 दिन से तो उसका उसकी माँ का दूध ही पिलाते हैं हम, जितना वो पी पाए, लगभग 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं पिएगी। अगर 40 किलो का बच्चा भी हुआ, 40-35 किलो हेवी बच्चा अगर अच्छे सीमन की क्वालिटी का रहेगा तो प्लस पॉइंट ये भी रहता है बच्चा भी हेवी आता है, तो आप मोटा मोटा 30-35 किलो का है तो 2.5-2.5 लीटर सुबह दोनों टाइम उसको दूध पिलाएं, डीवॉर्मिंग कराएं टाइम टू टाइम, और मतलब 2 वीक्स के बाद से उसको फीड पे डाल दें उसको। डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं आप ये और बता दें? डीवॉर्मिंग भैया 10वें दिन में आप उसको डीवॉर्म कर दें, कोई सी भी अपने जो अपना मेडिकल स्टोर पे आता है। डीवॉर्मिंग का मतलब है उनके जो पेट के कीड़ों की दवा दी जाती है उसको डीवॉर्मिंग कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, भाई डिवॉर्मिंग में नहीं समझ पाते हैं, तो जो हमारे छोटे बछड़े होते हैं गाय के उनके पेट को कीड़ों को मारने के लिए उनको लगभग 6-10 दिन के बीच में दवा दी जाती है,
10 दिन बाद दवा देने के बाद फिर हर 15 दिन में उनको देनी रहती है वो दवा, देनी रहती है। हाँ, जब वो दूध दूध पी रहे हैं। नहीं 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 15 दिन तक दीजिए, जैसे कि 10वें दिन दिए फिर 15 दिन बाद फिर दिए, फिर मंथली दीजिए। अच्छा, हर मंथ 6 महीने तक। और उसके बाद उसको 2.5 लीटर दूध चल रहा है, जैसे उसका वेट गेन होता है उसके बाद आप उसको 3 लीटर पर रख दीजिए, और जब तक वो आधा 1 किलो फीड उठा लेता है जब तक आपको दूध नहीं बंद करना है। अच्छा। अगर वो 1 किलो फीड उठाने लग गया है डे का, वो भी क्वालिटी फीड, क्वालिटी फीड सबसे, क्वालिटी फीड सबसे। फीड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक टब में कुछ भी रखकर उनके सामने रख दिया और वो फीड हो गया। फीड का मतलब होता है कि सारे जो पोषक तत्व उनको मिल रहे हैं न्यूट्रिशंस, वो सारे उसमें उपलब्ध होने चाहिए ताकि उसकी जो हेल्थ है उस पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आप इतने दिनों से डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, लगभग 6 साल से, 6 साल आपको कोई भी समस्या है आज दिन तक इसमें की? भैया स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है, एनिमल बीमार हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें आती है, पर धीरे धीरे सब सेट हो गया। सब सेट हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेड आपने लगभग 6 साल पहले छः साल पहले बनाया, और मैंने ये जो दिख रहा है अभी ये हाफ है, इसके बाद हाफ मैंने फिर इंक्रीज किया इसमें। अच्छा, आप ही संभाल रहे पिछले 6 साल से? 6 साल से मैं ही संभाल रहा हूँ। आपने क्या कुछ पढ़ाई कर रखी है या फिर? नहीं नहीं भैया, नॉर्मल सा कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रखी है मैंने। अच्छा। मेरा बीकॉम कर रखा है मैंने। बीकॉम करा है, ग्रेजुएशन कहाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और खेत से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग से पापा और ये भी फार्मर है। और लगभग हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो युवा लोगों में नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भी जैसे कि वायरस चला 2-3 साल, तो नौकरी का बिल्कुल ही पढ़ाई एक तरीके से मर चुकी है। तो काफ़ी सारे लोग बिजनेस में आना चाहते हैं पर उनको कोई भी एरिया नहीं मिल पाता कि बिजनेस हम कौन सा करें। तो क्या कहना चाहेंगे अगर कोई भी युवा नया डेयरी फार्मिंग में आना चाहता है या फिर और कोई बिजनेस है, तो क्या उसको करना चाहिए या फिर क्या कुछ डिपेंड करता है कि वो करे या ना करे? भैया मेन अगर कोई फार्म, डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब उसके पापा या किसी ने एनिमल रखे हो या थोड़ा सा नॉलेज, हाँ नॉलेज होना चाहिए, और अगर घर की ज़मीन हो और ये सब कुछ रहे तो अच्छा है, बेनिफिट। अगर सब कुछ रेंट पे लेके वो स्टार्ट करता है तो काफ़ी दिक्कतें आती है, उसमें बचत नहीं हो पाती, बचत बिल्कुल नहीं हो पाती है, और उसको समझने समझने में उसके पास कुछ नहीं बचता है। आपके फार्म पे कुल कितने लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं? भैया लेबर मेरे यहाँ 5 लेबर हैं। 5 लेबर है, 100 पशु है लगभग? 100 पशु है, 110 पशु है, उसमें हीफर्स ज़्यादा है मेरे पास, मिल्किंग में तो काफ़ी कम है। मिल्किंग एनिमल कितने होंगे अगर बात? भैया मिल्किंग एनिमल देखा जाए तो मेरे पास अभी 25 के सारों में, 25-30 है, अप डाउन चलता रहता है, तो अगर कोई नया बंदा अगर डेयरी फार्म शुरू करता है 5-6 पशु से, तो उसको तो लेबर ना ही रखे तो अच्छा होगा? भैया लेबर तो चाहिए रहता है, ना भी रखे ठीक है, बाकी उसको सारा काम आना चाहिए। हाँ, वो खुद करे, खुद करे, उसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जो इनकम होती है 10-15 हज़ार रुपये मंथली होती है जो 5 से 2.5 से शुरू करता है, और अगर वो लेबर रखता है तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये लेबर का लग जाता है उसके। फिर अगर उसकी बचत तो वहाँ पर चली गई, और अगर एकाध पशु अगर बीमार हो जाता है फिर कारणवश दूध नहीं दे पाता है, दूध नहीं भी दे पाता, डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, तो वो उसको डायरेक्ट नुकसान होता है उसकी इनकम पे, इनकम पे होता है। उसकी जो इनकम हुई थी वो चली गई लेबर के पास, और जो उनके घर की जो इनकम है मेन उसकी गाय के ऊपर, वो नुकसान होता है उसका, क्योंकि अगर खुद अगर काम करेगा तो उसको नॉलेज उसकी उसमें बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि लोग डेयरी करना चाहते हैं पर सारी लेबर के ऊपर, फुल्ली लेबर पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो आपके जो फार्म की जो दिनचर्या होती है प्रतिदिन की, सुबह से लेकर शाम तक, वो क्या होती है इसमें? भैया मॉर्निंग में 5 बजे हमने मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, मिल्किंग वाले मिल्किंग करते हैं, फीडिंग वाले फीडिंग करते हैं, जो गोबर उठाने वाले गोबर उठाते हैं, सबका काम सेपरेट है। 5 जो मजदूर हैं यहाँ पर उनका अलग अलग काम है, तो वो अपने अपने हिसाब से इनको करते हैं, और साफ सफाई का बिल्कुल करेक्ट ध्यान यहाँ पर रखा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेट इनके लिए लगाए गए हैं। मेट के बारे में क्या कहेंगे आप, मेट जरूरी है गायों के लिए? भैया अगर RCC है तो मेट जरूरी है। हाँ। और अगर कच्चा है तो मेट जरूरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि इससे जो होता है इसके जो थन होते हैं गाय के वो कटने की समस्या होती है RCC पे, RCC पे रहता है, तो उसके लिए मेट जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो गाय ज्यादा दूध उत्पादन देती है उसका ऑर्डर वैसे ही काफी भारी भरकम होता है, और जब उसका 3 से 4 क्विंटल वजन जब उसके ऊपर पड़ता है तो थन कट सकते हैं, अगर खुर के नीचे आ जाए या फिर कहीं भी समस्या हो। तो आप छोटी छोटी जो बातें हैं डेयरी फार्मिंग में, ड्राई पीरियड के बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि लोगों का मानना है कि ड्राई पीरियड में गाय को क्या खिलाते हैं, क्या बेच देते हैं आप? भैया मेन तो ड्राई पीरियड ही रहता है एनिमल का, पूरा इलेक्टेशन जो रहता है, पूरे ब्यांत का जो दूध रहता है वो ड्राई पे डिपेंड करता है कि ड्राई पे अपन ने उसको किस तरीके से मेंटेन किया है। अगर ड्राई अच्छे से मेंटेन किया है, जब जैसे ड्राई है एनिमल 1 या 1.5 महीने की ड्राई रहती है एनिमल,
उस टाइम आप जिस तरीके से आप पूरा इलेक्ट्रेशन आपका पूरा ब्याज उस पर डिपेंड करता है, तो उस टाइम आपको अच्छे से फीडिंग करना है, मिनरल अच्छा डालना है, फेट अच्छा डालना है, प्रोटीन वोटीन सब कुछ मेंटेन करके उसको काविंग तक लेके आना है। अगर आपने वो सब चीज़ें अच्छे से कर ली है तो आपका पूरा ब्याज अच्छे से निकलने वाला है। अगर आपने उस टाइम नहीं किया है और मिल्किंग पे आ गई उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसको सब कुछ दूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको रिपेयर कर पाएँ या कुछ उसको बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ, मिल्किंग ले पाएँ। क्योंकि अगर कोई गाय ब्याह गई है और वो दूध दे रही है तो आप उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर उसको कुछ करेंगे भी ना तो मिल्क पे करेगी या उसकी बॉडी पे करेगी तो काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। वो ब्याज तो आप भूल जाइए, दूध नहीं मिलेगा उस ब्याज में। अगर हेल्थ गाय की अगर कमज़ोर है तो एक और बात है, अगर गाय ने आपके मेल काप दिया है तो उसका क्या करते हैं, वो रियलिटी आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है। भैया अगर अच्छे सीमन यूज़ करते हैं तो लगभग 80% तो फीमेल ही आती है। मेल काफ का बहुत कम रहता है। मैं अपने डेयरी फार्म के लिए बताऊँ तो कोई गाय मेल काफ दे देती है तो मैं तो वैसे 80% उसको सेल कर देता हूँ। अच्छा, सेल कर देता हूँ क्योंकि मुझे गाय सेल आउट भी करनी रहती है। हाँ। तो मैं सेल कर देता हूँ। जो फीमेल रहती है तो वैसे ही भी रखता ही हूँ मैं। हाँ। तो एनिमल रख लेता हूँ मैं, और बाई चांस कुछ नहीं रहता और नहीं हो पाता है तो फिर उनको रखते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये गाय सेल भी करते हैं, हर साल लगभग 2-4 गाय निकालते रहते हैं। या मंथली 2-3 निकालता हूँ। मंथली 2-3 गाय निकाल देते हैं क्योंकि ये इनके फार्म पर ही ब्रीडिंग कर रहे हैं। और लगभग 14 महीने में तो मेरी हीफर प्रेग्नेंट हो जाती है, 14 से 18 महीने के बीच में। अच्छा अच्छा, तो लगभग वो 26-27 महीने की मैं आराम से मिल्किंग पे आ जाती है वो। अच्छा, तो क्या वो दूध सही रहता है, उसको दूध दे पाती हूँ? नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ ना, 30+ देती है। मेरे यहाँ हीफर्स में आपको बता सकता हूँ 30+ दे रही है वो मिल्किंग में। मैक्सिमम जो दूध की गाय है वो आपके फार्म पे कितने दूध की? 45 की है। 45 लीटर की है प्रतिदिन का। और जो न्यूनतम जो आपकी एवरेज जो आती है दूध की प्रति गाय के ऊपर, वो क्या होती है? वो भैया फॉर्म एवरेज अगर देखा जाए तो 18 के आसपास है, लगभग 18 के आसपास। हाँ। यही होती है। अगर बड़े डेयरी फार्म आप चला रहे हैं तो न्यूनतम भी आपकी वही रहती है, क्योंकि जब गाय ड्राई होगी उसमें वो भी पीरियड भी आ गया है और सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा था, वो भी आ जाता है, उसका भी बराबर हो जाता है, तो 18 लीटर एवरेज आता है फॉर्म का। बहुत ही शानदार एवरेज कहा जाएगा, 18-20 लीटर आपका एवरेज आता है प्रति गाय के ऊपर, तो वो भी एक साल का पूरे। और डेयरी फार्मिंग कैसा बिजनेस है आपके हिसाब से, आपको कैसा लग रहा है इसको करके? भैया अगर मैनेजमेंट अच्छा रहा है तो अच्छा बिजनेस है, और अगर मैनेजमेंट नहीं रहा है तो बिजनेस अच्छा नहीं है। पर इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, और मेन मैनेजमेंट पे, अगर मैनेजमेंट अच्छा रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध करवाना चाहेंगे अगर किसी को गाय खरीदनी हो या फिर कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं तो? बिल्कुल भैया, नंबर बोलिए आप अपना एक बार। 8462067277। आप लिख सकते हैं नंबर, मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख दूंगा यहाँ पर, तो आपको दिख जाएगा। तो कृपया करके आप ऐसे ही कॉल ना करें कुछ भी उठपटांग सवाल के लिए। अगर आपको गाय परचेस करनी है और रियलिटी अगर आप डेयरी फार्मिंग के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, नहीं जो लगभग वीडियो में हमने सारे ही क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं इसमें, तो आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। परंतु फिर भी अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कभी कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी सर के द्वारा दी गई है, और पूरी की पूरी जो रियलिटी है वो आपको बताई गई है। धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू भैया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो बहुत ही बड़े स्तर पर ये डेयरी फार्म को चला रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी इनके द्वारा हमें दी गई है। और अगर कोई भी सवाल अगर छूटा हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी जानकारी आपको लगी, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ में, सही जानकारी के साथ में अगर आप सोच कर करोगे कि आप अपना 100% जो अपनी मेहनत है वो इसमें लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। बहुत ही बड़े स्केल पर आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि इसे आप बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू करके बहुत ही लार्ज स्केल पर कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक सफल डेयरी फार्मिंग वही होती है, ये नहीं कि आप सिर्फ पशु खरीद के ले आए और दूध बेचने लग गए उसको आप डेयरी फार्मिंग कहोगे, नहीं। किस प्रकार से आप उसको चला पा रहे हैं, कैसे आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, लगभग अगर डेयरी फार्मिंग में सफल होना है तो लगभग आपको 2-3 साल इसमें लगेंगे, क्योंकि एक डेयरी का ढांचा तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। और हम उस मेहनत को नहीं देखते, सिर्फ हम ये करते हैं कि पशुओं को लेकर आ गए और पशुओं को रखने लग गए। इन्होंने इस फार्म में इनका पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है, जो कि आप देख रहे हैं, पूरी गायों को खुला छोड़ रखा है। उनका मन चाहे तब बैठती हैं, तब पानी पीती हैं, तब चारा खाती हैं।
तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं, बिंदु हैं, जिनको अगर आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प डेयरी फार्मिंग को करने में मिलेगी और आसान तरीके से आप डेयरी को कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मशीनों से यहाँ पर मिल्किंग होती है, मिल्किंग मशीन यहाँ पर लगाई गई हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इनका जो डेयरी फार्मिंग का एक सेटअप जो है पूरा ऑल ऑफ द बेस्ट सेटअप लगा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल क्लियर है, पानी का सिस्टम शानदार है, फोगर ये पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, छोटे गाँव के लिए अलग से हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके तो ज़रूर बताना। उम्मीद है मुझे आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका।